हमारे साथ यूपी से हैं कुमार वार्षिके, जो आज एक लोक संगीत की प्रस्तुति देने आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस अभी होने वाली है, तो आप यूपी से हैं, वहाँ का कोई लोक गीत परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपने क्या क्या तैयारियाँ की है? देखिए, तैयारी तो मैंने बहुत कुछ की है, लेकिन अभी मैं एक मतलब हमारे यहाँ बहुत पारंपरिक विकास गीत कहा जाती है उसे, और विकास गीत ये है कि विकास गीत में भी कई प्रकार के विकास गीत होते हैं। एक विकास गीत होते हैं कि हम लोग खेतों के बारे में करते हैं, एक गांव का विकास करते हैं, बट ये विकास जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा गीत है, मतलब ये एक आदमी पूछ रहा है अपने पूरे चारों तरफ वातावरण से कि मेरा विकास होगा कि नहीं। ठीक है, मैंने सबका विकास तो कर दिया, मेरा विकास होगा कि नहीं, ये इस पे आधारित ये गाना है। अच्छा, तो जैसे वार्षिक के आप बता रहे हैं कि एक विकास गीत है, यानी कि आप अपने ही आप से पूछ रहे हैं कि मेरा विकास कब होगा। हाँ। तो क्या ये लोक गीत काफ़ी पुराना है या इसको काफ़ी पहले से गाया जा रहा है, या आपने कहीं से इसकी शिक्षा दीक्षा ली है? नहीं, देखिए, ये मैं एक बात तो कही कि मैंने इसकी शिक्षा ली है, बट ये जो गाना है ये बहुत पुराने समय से गाया जाता है इसे। अच्छा। तो इसे अक्सर यूपी में गाया जाता है? हाँ, अक्सर यूपी में गाया जाता अच्छा। है। अच्छा, तो आपका कैसा, मतलब आपको कैसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस शुरू ही होने वाली है, तो आपके अंदर क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड की क्या होने वाला है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस परफॉर्मेंस आपकी देखी, तो डर तो सबको लगता है भाई, थोड़ी बहुत टेंशन तो मुझको भी है, और अब जो मेरी जो मेरे साथ में है वो भी कैसा गाएंगी क्या नहीं गाएंगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, कॉन्फिडेंस भी है और डर भी है, बट जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। बाकी जिस तरह से आपने लोक गीत के बारे में बताया कि ये पुराना गीत है और ये अपने विकास के बारे में, ऐसे ही काफ़ी गीत मैंने सुने भी हैं जो पुराने कंटेस्टेंट ने गाए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सेलेक्ट हों। थैंक यू। और आपका गीत बहुत 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 अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश